हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे एलईडी टेस्टर, जो कि हमारा डीसी से हम एलईडी टेस्टर बनाएंगे, जो कि 9 वोल्ट बैटरी से हमको आज बना के दिखाएंगे आपको, जो कि हमें बहुत ही कमेंट करने लग रहे हैं। जो लोग हमारा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और समझ में नहीं आता है और बोलते हैं कि हमें करंट लगने का शौक, ये ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए हम आज बना रहे हैं आपके लिए कि ये हमारा डीसी जो वोल्टेज है, इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा 9 वोल्ट का बैटरी है। इस तरह का बैटरी आपको यूज करना है और आपको बनाना है आपको एलईडी टेस्टर, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं बिना कोई टेंशन के, बिना कोई शौक के। देखिए, आपको खतरे का कोई डर नहीं रहेगा, इसमें आप आसानी से चेक कर पाएंगे एसएमडी एलईडी को। देख सकते हैं इस तरह का, जो आप एलईडी बल्ब का जो या किसी भी एलईडी टीवी का बैकलाइट का जो एलईडी होता है, या किसी भी एलईडी इस तरह का जो एलईडी होता है, उसको आप आसानी से चेक कर पाएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताऊँगा। और जो जो कॉम्पोनेंट लगेगा उसको आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से, आपको एक एक तरीका से थोड़ा सा आपको वीडियो को बारी बारी से देखना है, कहीं पार्ट आपको मिस नहीं करना है, नहीं था आप क्या होगा, आपको सीख नहीं पाएंगे और गलत आप कनेक्शन कर बैठ के आपको गलत कमेंट करने लगोगे। तो हमारा वीडियो अगर कहीं से भी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो लोग प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपके लिए हम बनाते रहते हैं और आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारा बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह का इसमें कौन से कॉम्पोनेंट आपको चाहिए। तो देखिए, इस तरह का जो हमें एक मल्टीमीटर का प्रोग हमने ले लिया है, इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह का हमने ख़राब वाला को ले लिए हैं। हम किसी भी तरह का इसको यूज कर लेते हैं, देखिए अगर आपके पास में है तो ठीक है, अन्यथा आप इस तरह का वायर ले लीजिएगा या फिर चिमटी बना लीजिएगा, या फिर देखिए पेन का भी बना सकते हैं। इस तरह का जो पेन मिल जाएगा तो पेन को इसे लगा लीजिएगा और ऊपर में इसका ये कवर आपको मिल जाएगा, जो कि आपका डीसी में आपको करंट लगने का कोई खतरा नहीं होता है, तो आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखिए, पर जो लोग हमें एसी से कनेक्शन करने के बाद जो एलईडी टेस्टर बनाए थे, तो उसमें बहुत सारे लोग हमें कमेंट करने लगे कि भैया इस तरह का जो हम कि ऐसा सर, इस तरह हमें कनेक्शन करने से देखिए हमें कभी भी शॉक लग सकता है इस तरह से। तो ये सब वीडियो आपके लिए है, जो इस तरह से आपको डीसी से भी आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो देखिए, इस तरह का जो हमने बनाया है तो इसको देख लीजिएगा, ये हमारा एलईडी देखिए चेक करने के लिए ये प्रोब हमने लिया हुआ है, देख सकते हैं। और देखिए, ये हमने चेक करने के लिए इस तरह का जो हमें इसको चेक करके आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं इस तरह का। और ये देखिए, इस तरह का जो हमारा डीएबी होता है 3 वोल्ट से भी चलने वाला होता है, तो इसको भी हमने रखा हुआ है सामने आपके, तो देख सकते हैं। और दूसरा हमारा ये है, पहले ये देख लीजिए, ये हमारा 9 वोल्ट का ये बैटरी है। इस बैटरी को देखिए, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कंपनी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको 9 वोल्ट का ये बैटरी होना चाहिए, देख सकते हैं। या फिर ऐसा आपको अगर है तो आपके मार्केट में या फिर आपके दुकान या आपके पास है तो इसको परचेस कर लेना है। उसके साथ में ये आपको कैप मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कनेक्शन करने के लिए इस तरह से देखिए ऐसा आपको लगाने के लिए आपको ये चाहिए। अगर नहीं है कैप तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट इसमें सोल्डिंग कर सकते हैं वायर को, आपको कोई टेंशन वाला बात नहीं है। पर है तो ये आपका सुरक्षित है, देख सकते हैं इस तरह से आप लगाओगे, निकाल सकते हो, इसलिए ये कैप आपको मिल जाता है इसके साथ में भी जब परचेस करने जाते हो। तो देखिए, इसको रखने के बाद में इसको भी मैं रख देता हूँ इस तरह से। और देखिए, इस तरह का जो हमको एक रेजिस्टेंस चाहिए जो क्वार्टर वाट में हो सकता है, तो आप ले लीजिएगा इस तरह का। देखिए, मैंने इसका कलर कोड को आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आपको कलर कोड देख लीजिएगा, देख सकते हैं। ये है हमारा ब्राउन, ग्रीन, सिल्वर, सिल्वर, देख सकते हैं। तो यही हमारा कलर कोड है, हम इस कलर कोड को आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और देखिए, इस तरह का जो स्लिप है दो टुकड़ा कर लेना है, ताकि इस तरह का हमें जो इसमें कनेक्शन करेंगे तो इस जगह पे हमें ये लगाने के लिए स्लिप कवर करने के लिए यही चीज़ हमको लेना है, और इसी से बनाएंगे और इसी से बना के आपको चेक करके दिखाएंगे। जब ये जल जाएगा या ये सभी काम करने लगेगा, तभी हमारा वीडियो को अच्छा से आपको लाइक करके शेयर कर देना है। जो भी समझ में नहीं आता है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और इसको कमेंट करके ज़रूर बताएँ हमें। तो चलिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह का जो होता है इसको हम इसमें कनेक्शन करने के लिए, देखिए इस तरह का जो कनेक्शन करेंगे, देखिए इस तरह कनेक्शन करने के लिए देखिए पहले क्या करना पड़ेगा। इस मीटर को, प्राड को देखिए इस तरह से, तो दोनों को इसमें एक एक करके स्लिप को इसमें अंदर डालेंगे, ताकि तो देखिए एक वाला स्लिप को इस तरह से डाले हैं, तो दूसरा वाला को भी इसी तरह से स्लिप को इसमें अंदर इसको चढ़ा लेना है, ताकि एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट होने से ये हमारा बच सकता है, देख सकते हैं। ऐसा आपको दोनों में आपको डाल लेना है इस तरह से, देखिए देखिए ऐसा ही आपको डाल लेना है। उसके बाद में देखिए, आप किसी भी तरह एक प्रोब में देख सकते हैं, इस तरह का जो प्लस वाला होता है उसमें भी कर सकते हैं, या माइनस वाला होता है उसमें भी कर सकते हैं।
इसमें किसी एक में आपको इस तरह से सोल्डिंग करना है, देख सकते हैं ऐसा ही आपको सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो देखिए सोल्डिंग करने के लिए मैं इस तरह पकड़ रहा हूँ और इसमें सोल्डिंग कर रहा हूँ, किसी एक को आपको सोल्डिंग करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं मैंने इस तरह पकड़ के इसमें सोल्डिंग कर दिया हूँ एक को, किसी एक में, क्योंकि आपका जो एलईडी बल्ब होता है या एसएमडी एलईडी होता है वो ज़्यादा फ्यूज ना हो, ख़राब ना हो, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें क्या है, आपका 3 वोल्ट से है तो ये हमारा 9 वोल्ट से चलने वाला है, तो क्या हुआ हम 3 वोल्ट में लगाएंगे 9 वोल्ट तो हमारा ये एसएमडी एलईडी ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसके जगह पर इसको लगाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए इसको कनेक्शन करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता होगा, तो देखिए यही सब होगा और कुछ नहीं होगा। तो एक को लगा देते हैं इसमें, देख सकते हैं ऐसा ही आपको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन को देखिए बारीकी से समझ के देखिए, स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ही आसान है इसका कनेक्शन। तो देखिए मैंने इसको भी इस तरह से कनेक्शन कर दिया हूँ, देखिए इस तरह से, और दूसरा वाला में देखिए इसमें आपको ऐसा कनेक्शन कर देना है, जो कि हर किसी के पास में ये कंपोनेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा और आसानी से बना सकेंगे और आप आसानी से इसको चेक कर पाएंगे। देखिए इस तरह का हमें कनेक्शन करना होगा, देख सकते हैं मैंने आपको फिर से दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपको कनेक्शन करना होगा, जो कि बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। इसमें देख सकते हैं एक में आपको लगाना है रेजिस्टेंस और बाकी डायरेक्ट है। तो जब लगाने के बाद में देखिए इसको इस तरह से खींच देना है, इसके ऊपर चढ़ा देना है इसको, देखिए इस तरह से चढ़ाने के बाद में आपको इसको लगा लेना है इसमें, देखिए इस तरह से इसको प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, देखिए इसमें तो ऐसा ही है कैप की, जो प्लस को प्लस में लगाएंगे तभी लगेगा अन्यथा इसमें नहीं लगेगा। अगर आपके पास कैप नहीं है तो कोई बात नहीं है, कैप की जगह पे आप इसमें डायरेक्ट सोल्डिंग आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसका कनेक्शन कर रहा हूँ, प्लस को प्लस माइनस को माइनस में, देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको कनेक्शन कर दिया हूँ, देख लीजिएगा, ये मैंने कोई दूसरा नहीं इसी को यूज कर रहा हूँ और इसी में कनेक्शन किया हूँ। आप इसको देखिए आप आसानी से किसी में कवर करके बना सकते हैं या कहीं पे भी रख सकते हैं या किसी अन्य चीज़ में आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसको कवर पैक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और देख सकते हैं इसी में मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। थोड़ा मीटर की प्राड को खींच लेते हैं, देख सकते हैं इस तरह से हम थोड़ा लंबी कर लेंगे, देख लीजिए इस तरह से करने के बाद में। तो देख सकते हैं हमने इस तरह से करने के बाद में इसको रखते हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा हिल डुल रहा है तो इसके लिए इसको हम इस प्लायर की मदद से यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से। और देखिए इसको एक को चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा ये सही है या गलत है, गलत होगा तो नहीं जलेगा, अगर सही है तो जल जाएगा, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा देख सकते हैं ये हमारा ग्लो कर रहा है, अगर हमारा कोई वीक होगा एसएमडी तो क्या होगा हमारा हल्का ग्लो करेगा, और जो दोनों तरफ से इस तरह से प्रोड को चेंज करने के बाद भी नहीं जलता है तो हमारा वो ख़राब होता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको घुमाया, इसमें लगाया तो ये हमारा जल गया एक साइड से। तो देखिए ये बहुत ही आसानी से ये हमारा काम कर रहा है, जो कि किसी खतरे के बाहर है, देखिए शॉक लगने का खतरा नहीं है, देख सकते हैं इस तरह से। जो हमने किसी भाई ने हमें अभी कमेंट करके बताया था कि आप छू के भी देखिएगा, छूने से भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ये हमारा। जब एसी से हम इस तरह का जो एलईडी टेस्टर बनाते हैं तो हमें शॉक लगने का खतरा बढ़ जाता है, तो इसमें हमारा डीसी में हमें कुछ खतरा नहीं होता है, देख सकते हैं जो इतना वोल्ट से हमें कोई खतरा नहीं होता है, जो इससे ज़्यादा वोल्ट का होगा उससे हमें खतरा हो सकता है, देख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए हम इसको चेक करते हैं, तो देखिए इस साइड से करने के बाद में हमारा यहाँ पे नहीं आया, तो इसको क्या करेंगे हम इसको पलट देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से इसको पलटने के बाद में ये हमारा जल गया है,
तो देखिए ये दूसरा वाला को भी देख लेते हैं कि ये हमारा ग्लो करता है या नहीं करता है। तो देख सकते हैं ये भी हमारा इस तरह से पलट के हमें चेक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं ये हमारा ग्लो कर गया है। इसी तरह से आप एक को कर सकते हैं आसानी से। जो ख़राब होगा वो थोड़ा कम जलेगा, जो वीक होगा, और जो अच्छा वाला होगा वो हमारा सही से जल जाएगा। देख सकते हैं, देखिए, तो इसको पलट के आपको लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से। और देखिए मैं इस तरह का एक एलईडी को भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि क्या हमारा ये हमारा चेक होता है या नहीं होता है। देख सकते हैं इस तरह का जो एलईडी होता है उसको भी आप चेक कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। देखिए इसमें माइनस प्लस होता है, तो देखिए किसी एक को इसमें माइनस प्लस करके लगा के देखते हैं। तो देखिए इस साइड से हमारा चेक नहीं हुआ, तो क्या होगा, हम इसको चेंज कर देंगे इस साइड से। तो देख सकते हैं इस तरह से हम जब इसको चेंज किए तो ये हमारा एलईडी ग्लो कर गया। देखिए इस तरह से, देखिए जब इसमें शॉर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं ये हमारा जल गया है। अब इसमें किसी भी तरह का एलईडी आप चेक कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। देख सकते हैं यही हमारा एलईडी टेस्टर बन गया है, जो कि बहुत ही आसान तरीके से इसको आप आसानी से यूज कर पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों, कहीं से भी आपको अच्छा लगता है दोस्तों, आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में, आप लाइक दिल खोल के कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह का कॉन्टेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस ऑन कर लीजिएगा, ताकि ये हमारा जल्दी आपको मिल जाएगा कॉन्टेंट आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।